हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मीनू एंड वेलकम बैक टू लर्न एस बात। तो आज हम बात करेंगे जेनेटिक कोड की, कि जेनेटिक कोड क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जेनेटिक कोड में क्या है हमारे पास, कि जेनेटिक का कोड, कि जीन का कोड क्या है, इसका मतलब हम एक कोड मेथड का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हमारे पास सबसे पहले क्या होता है। तो स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता था, ठीक है। जिसके बाद हमारे पास क्या था, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास फॉर्मेशन होती थी एमआरएनए की। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती थी जो आरएनए की। अब यहाँ पे हमारे पास आरएनए में क्या है, कुछ बेसिस होते थे, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, जिसे हम न्यूक्लियोटाइड बेसिस कहते हैं, वो होते थे हमारे आरएनए में। वो कौन कौन से थे हमारे पास, एडेनिन था, ग्वानिन था, साइटोसिन था और यूरेसिल। तो ये हमारे आरएनए में चार बेसिस प्रेजेंट होते थे, जिससे हमारा क्या है, एमआरएनए की सिंथेसिस होती हुई थी, ठीक है। अब इस एमआरएनए की उसके बाद क्या होता है, ट्रांसलेशन होती है, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। अब यहाँ पे क्या था, हमारे पास क्या थे, जो न्यूक्लियोटाइड बेस थे हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है, जिससे ये मिलकर बना हुआ था। अब उन्हीं बेसिस से हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे हो जाती है, मतलब यहाँ पे क्या है, कोड है जिससे वो चेंज हो जाते हैं, किसमें, अमाइनो एसिड्स में, और अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बना देते हैं, प्रोटीन्स। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो सपोज करते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई भी है, जैसे ये तीन है कोई, ठीक है, इस तरह से कोई भी ऐसे हमारे पास एमआरएनए की सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड बेस प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है, एजीसी है यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है, ठीक है। अब ये तीन जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड जो हमारे पास प्रेजेंट, ट्रिपलेट है जो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट, तो वो ट्रिपलेट क्या है, ये कोड करते हैं किसके लिए, ट्रिपलेट है यहाँ पे जो बना हुआ वो कोड करता है, तीन ट्रिपलेट का हमारे पास क्या होता है, एक अमाइनो एसिड, ठीक है, मतलब थ्री यहाँ पे जो ट्रिपलेट है हमारे पास, बेसिकली ट्रिपलेट है वो एक अमाइनो एसिड बनाते हैं। तो इसी का हमने क्या है, एक चार्ट सा बना रखा है कि किसके लिए कौन सा अमाइनो एसिड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था ए जी सी, तो यहाँ पे देखेंगे ए वाले में, फिर देखेंगे कि जी वाला ही और सी, मतलब ये वाला हो गया ए जी सी, तो ये किस अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, सीरीन के लिए। तो हमें पता चल गया कि इससे क्या बनेगा, हमारे जो सिंथेसिस होगी यहाँ पे सीरीन, ठीक है। उससे अगर हम नेक्स्ट देखना चाहें, नेक्स्ट वाला गया है जी सी यू, जी सी यू से हमारे पास किसकी सिंथेसिस होगी, जैसे ये वाला जी आ गया, फिर सी आ गया, यू, ये सिंथेसिस करता है एलेलिन के लिए। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, जो एमआरएनए से हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि जेनेटिक कोड क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये सारे इतने सारे बने क्यों। हमने कहा कि ट्रिपलेट फॉर्म करता है कि हमारे प्रोटीन का, जो अमाइनो एसिड्स को। अब ये ट्रिपलेट है हमारे पास, तीन है, अब ये कितनी टाइप से अरेंज हो सकते हैं, मतलब हमारे पास टोटल कितने होंगे, अगर हमें फाइंड आउट करना हो, हमें चार्ट में दिया और हमें फाइंड आउट करना है कि ये टोटल है सारे जो, वो कितने हैं, ठीक है, थीके? तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास हमें ये पता है कि हमें तीन जो हमारे पास हैं, मतलब ट्रिपलेट से हमारे पास एक अमाइनो एसिड की सिंथेसिस होती है, ये चीज हमें पता है। अब हमें ये भी पता है जो न्यूक्लियोटाइड बेस है वो कितने है, टोटल हमारे पास यहाँ पे फोर बेसिस है, ठीक है। अब हम फर्स्ट पोजिशन पे है, कितनी बार उसको फिल कर सकते हैं, या तो हो सकता है उसमें एडेनिन आ जाए, साइटोसिन आ जाए, ठीक है, या फिर ग्वानिन आ जाए, या फिर यूरेसिल, मतलब चार टाइप से उसको फिल कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फोर से, ठीक है, यही हुआ हमारे पास। अब क्या है हमारे पास, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट को हम कितनी बार मतलब फिल कर सकते हैं, नेक्स्ट में भी यही है कि हम फोर बार फिल कर सकते हैं, उससे नेक्स्ट में भी है फोर बार फिल कर, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर फोर सिक्सटी इंटू फोर सिक्सटी फोर, मतलब क्या है, 64 है हमारे पास टोटल जो हमारे पास कोड है, प्रेजेंट है। तो ये हम अगर काउंट करें तो ये सारे कितने हमारे पास 64 कोड्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये था कि जेनेटिक कोड हमारे पास किस तरह से हमारे पास बना है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें कि जेनेटिक कोड क्या है, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें, तो फर्स्ट हम अगर देखें कि जो जेनेटिक कोड है ये क्या है, नॉन ओवरलैपिंग। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो जेनेटिक कोड है वो क्या है, नॉन ओवरलैपिंग। अब नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या हो, यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग मतलब ओवरलैप नहीं करता, मतलब कोई भी है कि ये नहीं है कि जो सीरीन के लिए जो कोड कर रहा है, ठीक है, वही क्या करेगा, फिनाइलएलनिन या एलनिन किसी और अमाइनो एसिड के लिए कोड करे। तो मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं फिनाइलएलनिन के लिए हमारे पास ये वाले हैं, ठीक है, मतलब इन ये वाला कोड है, ल्यूसीन के लिए ये है, ये छह कोड है, ठीक है, आइसोल्यूसीन के लिए ये है,
सबके लिए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कोड है। ठीक है, एक तो हमारे पास ये होगा, ये क्या है, नॉन ओवरलैपिंग है। अब हम देखते हैं कि सेकंड हमारे पास क्या है। सेकंड अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है कि अनएम्बिगुअस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक हमारे पास जो कोड है वो पर्टिकुलर किसी एक अमाइनो एसिड के लिए है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगल कोड है जो वो हमारे पास वो एक अमाइनो एसिड के लिए है। मतलब हमारे पास एक अमाइनो एसिड के लिए क्या है, एक जैसे कोड है, यहाँ पे जैसे सीयूसी है तो उसका मतलब होगा ल्यूसीन ही होगा वो। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक सिंगल अमाइनो एसिड का मतलब एक डिफरेंट कोड है हमारे पास। ठीक है, थर्ड है वो क्या है हमारे पास, डीजेनरेटिव। अब डीजेनरेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, हमने कहा कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो भी कोड है हमारे पास वो ये नहीं है कि हमारे पास सीरीन का सिर्फ क्या है एक ही कोड है, ये नहीं, ये चीज नहीं है। जैसे हम यहाँ पे बात करें किसी भी अमाइनो एसिड की, हमने बात की जैसे सीरीन के लिए, जैसे अगर हमारे पास आया, ठीक है, एमआरएनए में हमारे पास यूसीयू आ गया, ठीक है, यूसीए आ गया, या यूसी हमारे पास क्या आ गया, जी आ गया, ठीक है, या फिर यूसी कौन सा है हमारे पास, एक यू आ गया, सॉरी सी आ गया, तो इट मीन्स ये सारे किसको कोड कर रहे हैं, सीरीन को ही कर रहे हैं। मतलब ये कोड क्या है, डीजेनरेटिव है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक कोड है वो एक वही एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करे, हो सकता है कि कोई और कोड हो वो भी उसको रिप्रेजेंट करे, कोई और हो वो भी उसी को रिप्रेजेंट करे, तो ये क्या है, डीजेनरेटिव है। ठीक है, और एक हम बात करें कि अगर हम ये क्या है हमारे पास इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो ये क्या हमारे पास एक यूनिवर्सल कोड है। ठीक है, मतलब क्या है, अगर यूसीयू सीरीन को कोड कर रहा है या फिर एयूजी हमारे पास मिथिलिन को कोड कर रहा है तो वो मिथिलिन को ही कोड करेगा। बट लेकिन इसमें भी थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है या कुछ है, क्योंकि एयूजी है जो हमारे पास वो क्या है, एक कोड कर रहा है इसको मिथिलिन को ही, और ये क्या है, स्टार्टिंग कोड। और यहाँ पे एक और बात थी, जब हम बात करते हैं कि डीजेनरेटिव कोड्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो 61 जो हमारे पास कोडोन्स हैं वो कोड करते हैं इसको, जो हमारे 21 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, उनको कोड करने का काम करते हैं, इसलिए हमने इसको कहा था डीजेनरेटिव। और जो जीयूजी और एयूजी है ये इनिशिएटिव कोडोन्स हैं, ठीक है, और स्टॉप कोडोन की बात हम कर ही चुके हैं, कौन कौन से है, यूएए एंड यूएजी एंड यूजीए, ये क्या है, स्टॉप कोडोन्स है। अब एक और बात है कि हम अगर इसको रिमेम्बर करना हो तो कैसे करेंगे, अगर हमें, ठीक है, ये तो मेन मेन है जो हमने याद रखने ही है, अगर कोई चाहे कि हमने सारे इसको रिमेम्बर करना है तो किस तरह से हम कर सकते हैं, तो ये टेबल हमने कैसे बनाया है बताते हैं हम। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट है हमारे पास, मतलब ये वाला यू, ठीक है, ये यू कहाँ पे आया है, इस वाले पे, इसको डबल कर दिया तो सारे यू लिख लिए हमने। फिर जो ये वाला यू है वो कहाँ पे आया है, यहाँ पे, ठीक है, ये इतना ठीक हुआ। जैसे यहाँ पे क्या है, सी है, वो यहाँ पे आ गया, वो यू कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो ये चीज होगी पहले क्लियर। उसके बाद हमने साथ में क्या ऐड की है, यूसीएजी। सिमिलरली ए है जो यहाँ पे आ गया और यू है जो ऊपर वाला इस साइड आ गया, फिर क्या हमने लिखा, यूसीएजी। सिमिलरली आगे भी हमने ये किया, यू ए वाला आ गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया इसका सी, ठीक है, फिर आगे यूसीएजी। तो इस तरह से हमने सारा लिखा है, आप बना के देख सकते हो। अब अगर हमें याद रखना है तो स्टार्टिंग के दो है वो क्या है, फिनाइललिन है, फिर दो नेक्स्ट ल्यूसीन है, नेक्स्ट जो सॉरी सिक्स है वो कौन से है, ल्यूसीन है, फिर उससे नेक्स्ट वाला आइसोल्यूसीन है, और एक है जो मिथियोनिन है, फिर उससे नेक्स्ट कौन से है, वैलिन, नेक्स्ट वाले फिर कौन से हमारे पास, सीरीन, प्रोलिन, थ्रियोनिन, एलिन। तो इस तरह से हम क्या है इसको याद रख सकते हैं, अगर कोई याद करना चाहता हो उसके लिए, ठीक है। वैसे ज्यादा इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो मेन मेन है जो इनिशिएटिव कोडोन्स है और जो स्टॉप कोडोन्स है, ठीक है, और मिथियोनिन स्टार्टिंग कोडोन है, ये कुछ है जो हमें याद रखने तो कर लेंगे तो उस पर भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक हमारा जो था जेनेटिक कोड के ऊपर, किस तरह से जेनेटिक कोड है और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।